जम्मू कश्मीर की सीमा पर गुरेज सेक्टर में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जाबाजी की कार्रवाई में काटोल के सुपुत्र भूषण रमेश सतई शहीद हो गए। उनकी पार्थिव देह रविवार और सोमवार को भारतीय वायुसेना की विशेष विमान से नागपुर के सोनेगांव विमानतल पहुंची। भारतीय सेना की विशेष दल ने पार्थिव देह को सम्मान पूर्वक स्वीकार किया। वायुसेना के ग्रुप कैप्टन कांचन कुमार, एनसीसी कामटी के कर्नल व बायर लेफ्टिनेंट कर्नल धनाजी देसाई, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी मेजर डॉक्टर शिल्पा खरपकर, रक्षा विभाग की जनसंपर्क अधिकारी वसंत कुमार पांडे उपस्थित थे। शहीद भूषण सतई की पार्थिव देह कामटी स्थित मिलिट्री हॉस्पिटल में ले जाई गई। सोमवार की सुबह 8 बजे हॉस्पिटल परिसर में शहीद भूषण सतई को सलामी दी गई। इसके पश्चात उनका पार्थिव देह काटोल ले जाया गया, जहां शासकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। भूषण सतई 6 मराठा बटालियन में नायक पद पर कार्यरत थे। 1 साल से वे जम्मू कश्मीर में तैनात थे। उनके परिवार में पिता रमेश सतई, मां सरिता, छोटा भाई लेखन दास और बहन सरिता है। इस दौरान गृह मंत्री अनिल देशमुख और पालक मंत्री नितिन राउत ने भी उनको आखिरी सलामी दी, साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। जम्मू कश्मीर के सीमा पर जो गोलीबार हुआ और उस पाक और भारत के बीच में, वो गोलीबार में कई नौजवान सिपाही हमारे शहीद हुए, एक कैप्टन भी शहीद हुआ है। उनमें से 2 हमारे महाराष्ट्र के थे, एक ऋषिकेश जोंदड़े कोल्हापुर से और दूसरा नागपुर जिले के काटोल से भूषण सतई। मैं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से और नागपुर जिले का पालक मंत्री इस नाते से इन्हें भावपूर्ण आदरांजलि अर्पित करता हूँ। पूरी क्षेत्र में सीमा रेखे के नज़दीक वहाँ पे जो पाकिस्तान आर्मी के साथ में वहाँ पे जो फायरिंग हुआ था, जो झटपट हुई थी, उसमें हमारे 1 कैप्टन और 5 भारत के जवान शहीद हुए। इसमें से महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के ऋषिकेश जोंदड़े और नागपुर जिले के काटोल मेरी मतदार संघ के भूषण सतई, इनको वीर मरण प्राप्त हुआ है। मैं महाराष्ट्र शासन की ओर से ये सभी हमारे शूर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।